नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट करने का बार बार ट्राई कर रहे हैं और अगर आप एक एरर फेस कर रहे हैं जो कि पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट करने के टाइम पे एरर आ रहा है, तो कौन सा एरर है और क्यों आ रहा है, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इस वीडियो में मैंने उस एरर के बारे में A to Z बताया है और साथ ही ये बताया है कि ये कब सॉल्व होगा और कैसे होगा, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। एक्चुअली हुआ ये है कि RBI ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है पेटीएम के लिए कि आप नए ग्राहक न जोड़ सकते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ बता देता हूँ कि पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑडिट है। RBI ने पेटीएम से कहा है कि वह अपने पेटीएम पेमेंट बैंक प्लेटफॉर्म पर नए कस्टमर को जोड़ना तत्काल बंद कर दे। इसी के साथ केंद्रीय बैंक ने निर्देश दिया है कि वो प्लेटफॉर्म के ऑडिट सॉरी आईडी सिस्टम का ऑडिट कराने के लिए एक IT फर्म का नियुक्त जरूर करें। तो आप समझ गए होंगे कि पेटीएम पेमेंट बैंक को RBI ने एक नोटिस भेजा है कि आप नए कस्टमर को जोड़ना बंद कर दें, तो इस वजह से आपका जो पेटीएम वॉलेट है वो एक्टिवेट नहीं होगा, ना ही आप पेटीएम वॉलेट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ऑडिट के बाद मिलेगी मंजूरी। तो जब ये पेटीएम वॉलेट या फिर पेटीएम बैंक जो ऑडिट देगी RBI को, उसके बाद ही ये मंजूरी मिलेगी। तो जैसे ही मंजूरी मिलेगी मैं आपको एक वीडियो ला के दे दूंगा, उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कब चालू हुआ है और कैसे आपको एक्टिवेट करना है पेटीएम वॉलेट को। रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक के कामकाज की समीक्षा के दौरान उसने कुछ निगरानी संबंधी चिंताओं को देखा है। मतलब कि ये है कि पेटीएम जो है अपने यूज़र डेटा को निगरानी में रख रहा था, इस वजह से RBI ने ये नोटिस भेजा है पेटीएम बैंक को कि आप नए कस्टमर को नहीं बना सकते हैं जब तक ये आप हमें समीक्षा नहीं दे दो कि ये सारा निगरानी वगैरह हम नहीं रख रहे हैं। तो जैसे ही ऑडिट दे देगा पेटीएम बैंक, RBI उसको मंजूरी दे देगा। बस इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।